यू सी, ये सोसाइटी में ऐसे कम लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट बनता है, और कम लोग हैं जो सचमुच डाउन ट्रोडन गरीबों के लिए, या तो हमारे जो ओपन है, या तो डिस्ट्रीट्यूट है, ओल्ड एज है, उन लोगों का लिए सोचते हैं। ये जो अडोप्ट लोग जो काम कर रहे हैं, ये तो बहुत सराहनीय है, और मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस मुहिम में जुड़ा है, सभी को ईश्वर बहुत ज़्यादा वरदान दे और सक्सेस हो इनका सब कुछ। मैं तो इन लोगों को देख के वही चौंक गया कि दे रियली डिजर्व्स एप्रिसिएशन। इतना सारा एजुकेटेड लोग जुड़े, यंग माइंड्स जुड़े हैं, और इन यंग माइंड्स लोगों को हम लोग सोसाइटी में सच का हमारा एल्डर से मैं आप लोगों का जरिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यंग माइंड्स को कहीं भी अगर आपका मदद करने लायक कहीं भी अगर मौका मिलता है तो इन लोगों को मदद करना है, आगे बढ़ने देना है। इन लोगों को पढ़ लिख के हमारा प्रदेश को चलाने के लिए मौका देना है, मैं यही कहूँगा। मेरा एज अगर कागज़ अगर डॉक्यूमेंट से देखा जाए तो अभी मैं 20 ईयर्स हूँ, और इतना छोटा उम्र में कैसा ये चीज़ आइडिया आया है बोलने से। मैं एक सेमी ऑर्फेन हूँ, मेरी माँ सिंगल पेरेंट्स है, और मेरा घर में 9 बच्चा है, हम लोग सिबलिंग्स 9 हैं। तो ऐसा करके बचपन से बहुत दुख झेला है। इंटरेस्टेड था मेरा पढ़ाई को लेके, लेकिन कभी पढ़ाई को अच्छा से पढ़ने नहीं मिला कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण, और मेरा परिवार में सबका पढ़ाई बहुत अच्छा है, तो उसी के कारण सब साइंस में है, लेकिन पढ़ाई अच्छा हो के भी फाइनेंशियल इशू का कारण पीछे रह गया। तो इसी चीज़ को लेके मेरा भी खुद का एक समय था कि क्लास 10 में मैथ्स को मैं ट्यूशन जाऊँ, लेकिन ट्यूशन नहीं जा पाया। 2 सप्ते के बाद में मैं वापस निकल गई, वहाँ से पैसा नहीं दे सके। तो इसी चीज़ को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ भी करके प्री कोचिंग चलाऊँ। तो ये कोचिंग कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, मेरा पास कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन एक दिल में एक जज्बा था कि एक विश्वास था कि हम जरूर कर पाएगा, सोच के सबसे पहले प्री कोचिंग बोल के आबोतानी ओपन प्री कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल के एक नाम देके मैंने किया। और धीरे धीरे मैंने यूट्यूब देखा और एनजीओ का बारे में पता किया, तो कर करके एनजीओ को रजिस्टर किया, सब कुछ को मैंने शुरू किया, और उसके बाद में टीम क्रिएट किया। मेरा जैसे वाला जितना टीम है ऐसे स्टूडेंट को पूरा टीम को क्रिएट करके ये आइडिया को शेयर करके हम लोग अपना मेहनत से यहाँ तक लेके आया। और मेरा टीम में 10 मेंबर है, और हम लोग अचीवमेंट बोलने से पिछले साल में आप देख सकता है हमारा 2 सेशन चला था, हम लोग एक साल में 2 सेशन हम लोग किया था, तो उसमें हमारा स्टूडेंट समर और विंटर में बहुत अच्छा मार्क का साथ में इस बार पास हुआ। और हमारा स्टूडेंट इस बार में जो पहले साल में 2021 सेशन में आप देख सकता है हमारा ताई अंजुना सिस्टर जो कि क्लास 10 में पढ़ाई करती थी, वो बहुत अच्छा मार्क के साथ में निकल गया, और सेकेंड पोजीशन मारा CBSE बोर्ड में, यहाँ स्कूल में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी पपूम पारे में, और साथ ही साथ जितना स्टूडेंट था सब अच्छा मार्क में निकला, और सब साइंस क्वालिफाइड हुआ, और 12th का वाला सब अभी अपना अपना सब्जेक्ट को लेके बाहर में है। और इस बार में हम लोगों ने फिर इसी चीज़ को लेके, फिर यही चीज़ को लेके हम लोग फिर इनकरेज के साथ में फिर हम लोग ने आगे बढ़ा। इस बार में हमारा 400 प्लस स्टूडेंट्स है और हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा है, और साथ में इस बार में हम लोग एडिशन किया है कुछ कोर्सेज को, कुछ ज़रूरत को हम लोग देखते हुए डिप्लोमा बेसिक कंप्यूटर कोर्स 6 मंथ का दिया और इंग्लिश ग्रामर को दिया। और ये रेस्टोरेंट का आइडिया हम लोग इसलिए एडॉप्शन किया है, ये रेस्टोरेंट एक्चुअली बोलने से कॉमर्शियल बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली बोलने से एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए है। स्पेशली जैसे कि हमारा यहाँ आप देख सकता है बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट है जो पढ़ाई के बाद भी ऐसे बैठा हुआ है, तो उन लोगों को हम लोग एम्प्लॉयड करा रहा है, और इनडायरेक्टली हम लोग ये चैरिटीज़ के लिए कर रहा है। और ये एक अनाउंसमेंट भी है और रिक्वेस्ट भी है आप सभी को कि इस चीज़ को हम लोग इसलिए हम लोग ने शुरू किया कि
हम लोग डोर टू डोर कैंपिंग करके और डोर टू डोर जाके हम लोग पैसा नहीं मांगना चाहता था, डोनेशन नहीं मांगना चाहता था। तो इसीलिए हम लोग ये सोल्यूशन लाया, अपना मेहनत से करना चाहिए सोच के। और हम ये चीज़ को कभी इनक्रेज भी नहीं करता है कि यूनियन फॉर्म करके अननेसेसरी का डोनेशन लेना चाहिए बोल के। अगर हमने ये चीज़ को किया है तो हम बिजनेस भी करके, कुछ भी करके चलाने के लिए हम ये चीज़ को आइडिया को क्रिएशन किया है। और मेरा ये आप लोगों को मैसेज रहेगा कि जितना भी अरुणाचल का एल्डर्स है सब हमारे साथ दें, और हमारा ये जो कोशिश को आप लोग सक्सेस मुकाम तक पहुँचने के लिए कोऑपरेशन कीजिए बोल के मैं आप सभी से अपील करता हूँ। अभी तो आप देख सकता है हमारा पीछे कोई नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। वेल विशर्स अभी धीरे धीरे आ रहा है, जान रहा है, लेकिन शुरुआत अभी यहाँ तक हमने खुद किया। स्पेशली ये चीज़ को शुरू करने के लिए ये मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी है न्यू कंदर, तो हम दोनों ने एक महीना से लगातार रात को भी नहीं सो के अपना क्लासेस दिन में करता है, रात भर काम करके सुबह को निकल जाता है, ऐसा करके मेहनत ये हम लोग खुद कोशिश कर रहा है। और डोनेशन अपना अपना से निकाल के, और जितना हम सकता है मेरा तरफ से देता है, और जितना नहीं सकता है मेरा टीम जो मैनेज करता है, ये करके हम लोग जा रहा है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा कि आप अभी देख सकता है कि इस बार में हम लोग कंप्यूटर कोचिंग करवाया, और इस बार में करा रहा है अभी इस चीज़ को हम लोग जो एक्चुअली ये इसको नेक्स्ट लेवल हम लोग APSC UPSC और नीट को लेके हम लोग टारगेट कर रहा है। ये चीज़ को हम लोग करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और हम लोग गवर्नमेंट से एड्स लेने के लिए अपील करने के लिए हम लोग शुरू कर रहा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो। थैंक यू।